भितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। नमस्ते जी, मैं आपको वेदों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि वेद शब्द अपने आप ही सिद्ध है, वेद जो शब्द है वो विद जाने धातु से, विद विचारणे, विदर्ली लावे और विद सत्तायम धातु से बना है। जैसे कि विद, वेद बोलते ही ज्ञान, विचार, लाभ और सत्ता चार धातु से बना है। तो जीवन में भी देखते हैं, जिसके जीवन में जिस स्तर का ज्ञान होता है फिर उसी स्तर का वो विचार करता है और उसी स्तर का फिर वो लाभ भी प्राप्त करता है। आध्यात्मिक ज्ञान है तो आध्यात्मिक लाभ, भौतिक विद्या तो भौतिक लाभ। तो वैसे वेदों में तो अनेक विद्याएं हैं, अगर उनको विभाग करें तो संक्षेप में कहें तो वो दो प्रकार के विद्या हैं, उसको पराविद्या भी कहते हैं और अपराविद्या भी कहते हैं। पराविद्या यानी जो परमात्मा की तरफ ले जाए, और जो संसार के बारे में, भौतिक के बारे में जिसके बारे में जाना जाए उसको बोलते हैं अपराविद्या। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो उसको आत्म साक्षेप विद्या और पदार्थ साक्षेप भी कह सकते हैं। मतलब एक विद्या जो आपको आत्मा की तरफ ले जाएगी और दूसरा जो संसार के सारे पदार्थों के बारे में आपको जानकारी देगी। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आज का युग कहते कि आज मॉडर्न साइंस है, भौतिक युग है, तो मन में ये सवाल आना स्वाभाविक ही है कि अरे आज के युग में वेद, वेद दर्शन, उपनिषद, संस्कृत ये पढ़ना ये तो किसी भी प्रकार से उचित नहीं लगता है। ये उनका प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक ही है, क्योंकि जो आज भौतिक विद्या पढ़ाए जा रही है वो तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक सीमित है। कोई विज्ञान के छात्रों को, जिनको वेदों के बारे में, हमारे साहित्य के बारे में पता नहीं है, तो वो आत्मा परमात्मा के बारे में ना के बराबर जानते हैं, और उद्देश्य बस खाना पीना और अपने जीवन का आनंद लेना, यहीं तक सीमित रखा। तो वेदों को क्यों पढ़े? जैसे कि हमारे प्राचीन काल में भी हम देखते हैं, जब तक इस देश में वेद का पठन पाठन रहा है, हमारा देश ज्ञान ज्ञान में, विज्ञान में, कला कौशल में सबसे श्रेष्ठ था, और हमारे देश में विश्व के सारे देश के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। नालंदा का नाम आपने सुना होगा, तक्षशिला का नाम आपने सुना होगा, जो विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, और इस वेद विद्या को ही पढ़कर हमारे देश में महान योगी शिव जैसे का जन्म हुआ और पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जैसे महापुरुषों का जन्म भी हमारे देश में हुआ, और योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महापुरुष का जन्म भी हमारे देश में हुआ, जिन्होंने वेदों का ज्ञान ग्रहण करके पूरे विश्व को वेद की शिक्षा प्रदान की। और जब से देखते हैं कि महाभारत काल के बाद जब से हमारे देश ने इस वेद को पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया, तब से हमारा देश दीनहीन दरिद्र होने लग गया, दिन प्रतिदिन अवनति को प्राप्त होने लग गया, चाहे वो विद्या के क्षेत्र में हो, चाहे चरित्र के क्षेत्र में हो, चाहे धन के क्षेत्र में हो, सब दृष्टि से हीन होने लग गया। और आपने महर्षि भारद्वाज का नाम तो सुना ही होगा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है विमान शास्त्र। आज जो ये बोलते हैं कि विमान हमने बनाया,
भारद्वाज जी ने विमान का कई सालों कई सौ वर्ष पहले ही विमान के बारे में बता दिया था, और एक प्रकार का नहीं 500 प्रकार के विमान बनाने की विधि बताए थे। अगर आज कोई उसको देखे तो आश्चर्यचकित हो जाएगा कि भारत इतना उन्नत था, विमान के बारे में इतना कुछ जानता था। और अगर आपको और भी जानना है कि हमारा विज्ञान कितना उन्नत था, तो आप पुष्पक विमान का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो आकाश में भी चलता था, धरती में भी, जल में भी, ऐसे भी विमान हुए हमारे देश में जो अग्नि के द्वारा चलता था। तो कहने का मतलब है हमारा देश विज्ञान में भी किसी देश से कम नहीं था, और जो जीरो दिया पूरे विश्व को वो भी भारत ने दिया, और विश्व बंधुत्व की जो भावना दी, विश्व प्रेम को जो सिखाया, जो भारत बोलते कि वसुधैव कुटुंबकम, वो भी भारत ने सिखाया। तो कहने का मतलब है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो आचार विचार, रहन सहन, खान पान, एक एक चीज़ के बारे में अगर डिटेल में किसी ने बताया तो वो वेदों ने बताया। आयुर्वेद को देख लीजिए, आज से हजारों साल पहले लिखा गया, और आज आयुर्वेद के सिद्धांत सार्वभौम में लागू हो रहे हैं आज उसमें। और धनुर्वेद कई सालों हजारों साल पहले लिख चुके हैं। तो कहने का मतलब है चाहे विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए, कला कौशल के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे शस्त्र के क्षेत्र में लीजिए, चाहे शास्त्र के क्षेत्र में, किसी भी दृष्टि से देखें तो भारत आपको उन्नत मिलेगा। ये सब किस कारण से? वेदों की शिक्षा के कारण से। और सिर्फ भारतीय नहीं, विदेशी लेखक भी कहते हैं, मैक्स मुलर का नाम आपने सुना होगा, कि अगर हम विश्व में किसी एक ऐसे देश की खोज करें जो शौर्य, धैर्य, बल, पराक्रम और ईमानदारी जिसको मुक्त हस्त में मिला है, तो मैं उसका नाम भारत ही लूँगा। और जब से हमारे देश में वेदों का पठन पाठन छूट गया, आज भारत का देश कैसा है? बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोर, व्यभिचार, छल, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब हमारे देश में अवगुण आ चुके हैं ईसाई और मुसलमानों के संसर्ग से। और मैक्स मुलर आगे लिखते हैं कि अगर भारत आज भी इन दुर्गुणों को छोड़ दें, वेदों के अनुसार से अपने जीवन का जिए, तो आज भी भारत विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश बन सकता है। और सिर्फ वेद ज्ञान का ही भंडार नहीं है, वेद जैसे कि मैंने बताया विश्व बंधुत्व की भावना भी सिखाता है। तो जो वेद हमको मानवता बोलते हैं कि मनुष्य किसको बोलते हैं, पशु किसको बोलते हैं, पशु बोलते हैं पश्यति इति पशु, जो सिर्फ देखता है वो क्या है? पशु। जो बुद्धि से सोचता नहीं है वो पशु है। और मनुष्य मत्वा कर्मणि सिव्यति इति, मनुष्य जो हर कर्म को मनन पूर्वक विचार पूर्वक करता है वो क्या है? मनुष्य है, बुद्धिपूर्वक करता है वो क्या है? मनुष्य है। और ये सब बातें किस में दिया हमको? वो सब वेदों में दिया है। और उसी वेद की विद्या को पढ़ के हम सिर्फ इस संसार में ही नहीं, इस संसार को तो सफल बना सकते हैं, इस लोक को तो हम सफल बना सकते हैं, और परलोक को भी हम सुधार सकते हैं। जैसे कि वेद मंत्र में आया है कि जो मनुष्य वेद को पढ़ता है वो क्या होता है? वो इस जन्म में ही अपने जीवन को वो कर लेता है, उन्नत बना लेता है, श्रेष्ठ बना लेता है। एक तो वेद का ज्ञान, उसके अनुसार जो कर्म करेगा वो अपने जीवन को श्रेष्ठ है। और जो वेदों का अनध्याय करता है, वेद को नहीं पढ़ता है, वो क्या अपने जीवन को शूद्र बना लेता है इसी जीवन में। इसीलिए कहा है अनध्याय वेदानाम आचारस्य च वर्जनात् आलस्य अन्न दोषाच्च
मृत्यु विप्रान जिंघान सती, अर्थात वेदों के अनध्याय से, वेदों का ना पढ़ने से और आचरण और आलस्य और अन्न दोष से क्या करता है, विद्वान को भी मृत्यु क्या है, विद्वान भी मृत्यु के मुख में चला जाता है। तो अगर हमको अपने जीवन को उन्नत बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, चरित्रवान बनाना है और हर दृष्टि से संपन्न बनाना है तो वेद ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वेद ही बोला ना, सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ वेदों से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। और आर्य समाज के तीसरे नियम में कहा है, वेदों का पढ़ना 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 पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो कहने का मतलब है, अगर हम वेद को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम परम धर्म कर रहे हैं। और धर्म का फल क्या होता है, धर्म से क्या होता है, धर्म से सुख होता है, धर्म करने से पुण्य होता है, पुण्य से सुख होता है, और हर मनुष्य सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आपको जीवन में सुख चाहिए, इसमें, इस जन्म में भी, अगले जन्म में, तो वेदों को पढ़े, वेदों को, साहित्य को पढ़े और अपने जीवन को सफल बनाए। ओम इति शम।